ନେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ ଯେ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆମର ଗୌରବ ବଢ଼େଇଲା। मैं अगर दो शब्द उड़िया में ना बोलता तो फिर शायद फिर मेरे को और कुछ सामना करना पड़ता। मैं आप सबसे मेरे के दिल की गहराई से मैं उड़ीसा की ओर से आपका कृतज्ञ हूं। इससे बड़ा सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकता है। पूज्य शंकराचार्य जी ने एक आयोजन किया और मेरे जैसे व्यक्ति को तो लगता है कि मैं जब अध्यक्ष जी को गजपति जी का हाथ से लिखा हुआ पत्र दिखाया, एक उड़िया के नाते और एक हिंदू के नाते हमारे मन में ये सौभाग्य होता है। अभी मेरे मित्र मनोज जी कह रहे थे शंकराचार्य जी डांटते हैं, अगर डांटने का हम ना खाने का हमने हिम्मत हार देंगे तो हम कार्यकर्ता ही नहीं बचेंगे। और हम आते रहे और आप हमको डांटते रहे, शायद उस डांट में हमको कुछ आगे रास्ता मिल जाएगा। जब मैंने अध्यक्ष जी कहा कि गजपति जी स्वयं आपको पत्र लिखे हैं, क्षण भर में लगाने अध्यक्ष जी ने स्वीकृति दिया कि बिल्कुल आएंगे। ऐसे उनकी अनन्य श्रद्धा है महाप्रभु जगन्नाथ जी के साथ, माँ विमला के साथ। और जब भी उनके मन में कभी मौका मिलता है उनको जगत गुरु को दर्शन करने के लिए, उनसे दो शब्द बात करने के लिए, वो सौभाग्य मानते हैं, सौभाग्यशाली खुद को मानते आने के लिए। मैं उनको भी उड़ीसा की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। उनकी गरिमा में उपस्थिति हम लोगों की हमारी मर्यादा बढ़ रही है। मित्रों, मैं आज के दिनों में एक विवाद चली है, ये उड़ीसा के विवाद नहीं है कि भारत में हम लोग जितने आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ लोग आगे बढ़ने की बहाना पे कुछ पुरानी बातों को अगर वो अस्वीकार ना करते या उनसे असहमति ना दिखाते या उसको आगे थोड़ा बहुत नीचा ना दिखाते, विशेष करके भगवा वालों को थोड़ा नीचा ना दिखाए, तो कुछ लोगों को लगता है हम आगे बढ़ रहे हैं, ये प्रमाण भी नहीं मिलेगा। ये एक विडंबना समाज के अंदर खड़ी है, दिखने को मिलता है। इसीलिए बीच बीच में तथाकथित आधुनिकवादी और आगे बढ़ने वाले लोग भारत की मूल को हिलाने के लिए एक नाकाम कोशिश करते हैं। मित्रों, उनको शुभेच्छा। थोड़ा बहुत हिलाने के बाद वो भी थक जाएंगे जिंदगी में, कहीं ना कहीं किसी पड़ाव में उनको तो किसी की शरण में आना पड़ेगा। और हमारे वहां तो 33 कोटि देवता है, अनेक मठ मंदिर, साधु महात्मा, बालू पत्थर, नदी, गाय, सांप, किसी को भी हम, कोई भी जीव को हम ईश्वर मानने वाले लोग हैं। और मैं मानता हूं इसी को बीच बीच में याद दिलाना पड़ता है, जिसको हजारों साल पहले थोड़ा सोचिए। मैं पेट्रोलियम विभाग के काम देखता हूं, हमारे वहां कोचीन में एक रिफाइनरी है, जहां मैं अभी कोचीन गया था तो शंकराचार्य जी का जन्म स्थान नजदीक में है, ऐसा लोगों ने कहा। मैंने उनको कहा कि आप लोग उसमें कुछ करते कि नहीं करते, थोड़ा चुप रहे भाई। शंकराचार्य जी आज ना रहते, इस देश शायद इस रूप में ना रहता। इस देश के कई उतार चढ़ाव हमने देखा है। थोड़ा सोचिए, आज भी कहां कोचीन, कोचीन से निकल के और केरल से निकल के हिमालय की पदेश तक जाना, पश्चिम में द्वारका तक जाना और पूर्व में गोवर्धन पीठ पूरी स्थापना करना, उस समय में क्या यह धार्मिक नीति था या एक राजनीति था? क्या वो राजनीति आज की राजनीति के साथ समान था क्या? मित्रों, इसको ही अगर हम लोग थोड़ा समझ लें, आज पूज्य स्वामी जी के चरण पे हम लोग बैठे हैं, हम उनकी वाणी को इस परम उत्सव में, पवित्र उत्सव में सुनेंगे। मैं मानता हूं समाज में एक दंड शक्ति रहनी चाहिए, जो समाज शक्ति के रूप में जाना जाता है, और ये भारत की संतों के हाथ में रहनी चाहिए। और राजा जो भी हो, संत हो, उनकी कान पकड़ पाए, ऐसे ही परंपरा में हम लोग विश्वासी हैं। आज इस परंपरा में हम सब इकट्ठा हुए हैं और उसी में से आज एक नया
आया भारत की में भारत की सांस्कृतिक जीवन में जुड़ा गया है और उड़ीसा को पूज्य शंकराचार्य जी ने उसका सौभाग्य दिया है माँ बिमला का एक भव्य मंदिर यहाँ स्थापित करके हम सबने आज पुण्य कमाए हैं। आज की पवित्र दिवस पे मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ इस गरिमामय उत्सव में शामिल होने के लिए और ये मंदिर आने वाले दिनों में समाज में अच्छा संस्कार अच्छा प्रेरणा और भारत को विश्व मानवता के अंदर एक नई मिसाल खड़ा करने के लिए प्रेरित करते रहे यही प्रभु के चरण पे हमारी प्रार्थना है। यही पूज्य शंकराचार्य और गजपति महाराज और साधु संतों की सामने दो शब्द कहने का आपने मौका दिया मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जन।